खबर कोटा जिले से है, जहां शहर के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में पूनम कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान पर कार्य करने के दौरान बिजली लाइन की चपेट में आने से एक श्रमिक मनीष कुमार सैनी की दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ठेकड़ा निवासी मनीष कुमार गुरुवार को पूनम कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान पर कार्य करने गया था। वहां से गुजर रही 11 KV लाइन की चपेट में आने से वो झुलस गया। उसको MBS अस्पताल लाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान ही मौत हो गई। वहीं अब मृतक के परिजन MBS अस्पताल की मोर्चरी पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। हम चाहते हैं कि ठेकेदार यहाँ आए और जो भी मुआवजा देना चाहे, हम चाहते हैं मुआवजा मिले। अविवाहित है। परिवार में कौन कौन है इसके? इसके परिवार में 2 भाई हैं, मम्मी पापा सब किराए से रहते हैं, और हम चाहते हैं कि मुआवजा मिले इसको, क्योंकि कमाने वाला सिर्फ एक ही मेम्बर था। ये तक नहीं आया। हम चाहते हैं कि भाई आ जाए, जो भी बातचीत हो उससे वो करके हम सलाह करके इसका पोस्टमार्टम करा के फिर डेट वडे लेंगे। मृतक का नाम है मनीष सुमन शनोप महावीर मालिक, उम्र 24 साल, जय श्री बिहार, कोटा के रहने वाले हैं। क्या हुआ था सर? ये वहाँ कोई मकान का काम चल रहा था, तो उस पर लाइट से चिपकने से मृत्यु होना परिजन बता रहे हैं। ये न्यू दुर्गा नगर पूनम कॉलोनी, वो मैं अभी जानकारी करता हूँ, आया हूँ अभी जी। पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही।